हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडटेक जावेद पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैरिंगोस्कोप के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था एनपीए यानी नेजो फेरेंजियल एयरवे के बारे में, और ओपीए ओरो फेरेंजियल एयरवे, और एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में हमने देखा था कि इसके क्या यूजेस हैं रेस्पिरेटरी थेरेपी में। तो उसी तरह आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैरिंगोस्कोप के बारे में। लैरिंगोस्कोप कब यूज़ होता है, कैसा होता है, किस तरह के इसके अलग अलग टाइप होते हैं, और कौन सी कंडीशन में हम लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों लैरिंगोस्कोप जो है एक डिवाइस होता है, मेटालिक डिवाइस होता है, जिसको हम लोग ओरल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। कई ओकल कॉर्ड में जो इन्फेक्शन होता है, एपिग्लॉटिस में जो इन्फेक्शन होता है, या फिर ट्रैकिया में जो इन्फेक्शन होता है, इसके ज़रिए हम उसको पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लैरिंगोस्कोप दिखता कैसे है। ये आप देख सकते हैं, ये है लैरिंगोस्कोप। इसको हम ब्लेड कहते हैं। ये डिपेंड अपॉन साइजेस, ब्लेड इसके अलग अलग होते हैं, जैसे कि पेडियाट्रिक और अडल्ट के लिए इसका अलग होता है, और ये जो है ये अडल्ट के लिए है। इसके साथ ही एक लाइट आता है, जैसे आप देख सकते हैं लाइट ऑन हो गया है। लाइट इसके लिए होता है, जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं ओरल कैविटी में, तो अंदर का जो व्यू होता है वोकल कॉर्ड में, तो इजीली दिख सकता है कोई भी इंफेक्शन हो, कोई भी अंदर जो भी ग्रोथ ग्रोथ हुआ है, इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इजीली इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो इसके ज़रिए हम देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ब्लेड है, होल्ड करने के लिए होल्डर है, तो ये लैरिंगोस्कोप है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेडियाट्रिक के लिए जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, होल्डर वही होगा, सिर्फ ये जो ब्लेड होता है ये चेंज होता है जब पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये छोटा ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये अडल्ट के लिए तो ये इनफ होता है यूज़ करने के लिए। तो ये लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल कब किया जाता है दोस्तों? कोई भी वोकल कॉर्ड में इंफेक्शन होता है, वोकल कॉर्ड यानी फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस में कोई भी ग्रोथ होता है, या फिर इन्फ्लामेशन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंफ्लामेशन होता है, तो उसको देखने के लिए ये लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार ईटीटी यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन के वक्त भी ये लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब भी हम ईटीटी इंसर्ट करते हैं तो ट्रैकिया तक वो जब भी हम ईटी का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ट्रैकिया तक जाता है, तो वो ट्रैकिया तक जाने के लिए हेल्पफुल करता है ये लैरिंगोस्कोप, जिसके ज़रिए हम लोग लाइट जब अंदर डिस्चार्ज करते हैं तो ओवरव्यू सब दिखता है, ताकि ईटीटी इजीली इंसर्ट होता है। कई बार इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि इंट्यूबेशन के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये लैरिंगोस्कोप है। तो ये ओरल कैविटी में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये अप टू ट्रैकिया तक चला जाता है, तो जितनी भी ट्रैकिया तक इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो हम इजीली देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों लैरिंगोस्कोप, और ये इसके अलग अलग टाइप्स, जो अलग अलग ब्लेड्स हम इस्तेमाल करते हैं, कई इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ होता है, खास करके रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं देखने के लिए लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।